भाई ग्लास ब्रिज, ये फर्स्ट ग्लास ब्रिज है। ये देखें भाई सीढ़ियों के ऊपर हम जा रहे हैं ग्लास के, हमने भी इसी तरह वॉक करनी है फिर वहाँ पे जाना है। आसिफ भाई को देखें, ये ठहरा हुआ है ग्लास ब्रिज के ऊपर भाई। नहीं है नीचे देखें भाई, ये नीचे आप हमारे दोस्त वो ऊपर पहुँचे हुए हैं भाई, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। देखें भाई यहाँ पे एक्सेलेटर पे भी आप जा सकते हो, हाइकिंग करके भी जा सकते हो। ये देखें बारिश शुरू हो चुकी है, ये मेरी जैकेट पे देखें। चाइना में देखें पहाड़ों के अंदर भी एलिवेटर बने हुए हैं, और कितने बड़े एलिवेटर हैं ये देखें। हमारा पहला ग्लास ब्रिज शुरू होगा। शी इज टायर्ड फिनिश। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई एक नए वीडियो में, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो भाई आज हम लोग मौजूद हैं चाइना के शहर चिंगयुआन सिटी में। आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस ब्रिज का नाम भी सुना होगा, और इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर उस ब्रिज के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे। और जो कि न्यू ईयर आ रहा है, तो उसी न्यू ईयर की खुशी में हम भी भाई यहाँ पे आए हैं छुट्टियों में एंजॉय करने दोस्तों के साथ, और वही ब्रिज देखने अभी हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये सिटी भी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे दो तीन किस्म के ग्लास ब्रिज हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। कुछ वाटरफॉल्स हैं वो देखने जाएंगे, फिर रात में यहाँ न्यू ईयर मनाएंगे। तो वही शुगल मेला है, और हमारे साथ कुछ दोस्त भी हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अपने प्यारे दोस्त जो हमारे साथ मौजूद हैं। रजा भाई को तो आप लोग जानते हैं, ये हमारे साथ रजा भाई है, इसको तो बहुत पहले से जानते हैं। फिर हमारे साथ है आफाक भाई इस टाइम, जो कि हैं नोखार से और चंगशा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और फिर हमारे पास है ये भाई आदिल भाई फ्रॉम कराची, और ये है हमारे पास आसिफ भाई। कल रात हमें इन्होंने तीन पत्ती खिलाई, और तीन पत्ती के बाद हमारी आंखों का भाई देखें ये हाल हो चुका है, इतनी तीन पत्ती खिलाई हमें। तो बस गाड़ियों का वेट हो रहा है भाई, अभी गाड़ी आती है फिर जाते हैं ग्लास ब्रिज की तरफ, और उधर शुगल मेला आप लोगों को दिखाएंगे, और ये हमारे दोस्त भी हमारे साथ आज इंजॉय करेंगे। ये टैक्सी आ गई भाई, उससे गप लगा रहे हैं कि हम पांच बंदे हमें बिठा सकते हो कि नहीं, लेकिन लगता नहीं है हमें कि ये पांच बिठाएंगे। ये भाई हमारी टैक्सी है, और आसिफ भाई लोग अलग टैक्सी में आएंगे, क्योंकि यहाँ रूल है भाई चार बंदों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। हम भाई रवाना हो चुके हैं, वो भाई जो हैं वो अलग से आएंगे अलग टैक्सी में, क्योंकि यहाँ पांच बंदे नहीं बिठाए जाते, हमारे वाले मुल्क वाला हिसाब नहीं है। पीछे भाई तीन बंदे और आगे एक बंदा, बस डेढ़ सीट इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। सिटी के नज़ारे भी चेक करें, खूबसूरत सिटी है काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिवर है भाई, लेकिन फोग की वजह से दिखाई नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा फोग है दिखाई नहीं पड़ रही है। तो भाई सिटी से हम लोग निकल आए हैं, और अभी पहाड़ों के बीच भाई जा रहे हैं, और सेम हमारे पाकिस्तान मरी वाली वाइब है। लेफ्ट साइड पे भाई हमारे रिवर है, और इस साइड पे पहाड़ है, और अभी हम ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता रहता है, और रोड काफ़ी ही खूबसूरत है, और सेम ऐसा लग रहा है जैसे हम मरी के पहाड़ों में आ चुके हैं और मरी की तरफ ही जा रहे हो, क्योंकि जितना आगे जा रहे हैं उतनी ही धुंध बढ़ती जा रही है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। करीब होते जा रहे हैं हम मज़ीद अपनी मंजिल के, ये देखें क्या ही नज़ारे हैं भाई, रोड बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं इन्होंने। ये भाई हम पहुँचे हैं ग्लास ब्रिज के एरिया में, ये यहाँ से होंगी हमारी चार पाँच किस्म की एक्टिविटीज़, यहाँ एरिया से इंट्रेंस है। ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्लास ब्रिज वाले एरिया में, और बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट एरिया है भाई, और बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखें बसों में लोग आ रहे हैं टूरिस्ट, बड़ी टाइमिंग से पहुंचे हैं, और अभी यहाँ से हम इंटर होंगे। जगह तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का। नहीं नहीं, तस्वीरें मस्वीरें भाई बना ली हैं, और एरिया बहुत खूबसूरत है भाई, फोग है और ठंडी हवाएं हैं, दोस्त हमारे इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को भी ये व्यू दिखाते हैं, ये सीनरी क्या खूबसूरत जगह है यार, ये चेक करें। आसिफ भाई मौज में जा रहे हैं, आफाक भाई जा रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, ये फोग चेक करें लाजवाब। ये रजा भाई को देखें, हाय हाय रजा, अरसलान हमें बड़ा मिस करने वाला है, क्योंकि हम लोग इस उस पे ना बड़ा शोल लगाने वाले हैं, और अरसलान हमें याद रखेगा। अरसलान भाई ऐसा ना किया करें यार, देखें इसके अलावा भी जिंदगी होती है, आपने बस एक काम को आपने
सामने रखा हुआ है, वो ये काम करना है बस इसके अलावा भी जिंदगी होती है। इधर 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 चलो भाई अंदर चलते हैं और यहाँ से टिकट लेते हैं और ग्लास ब्रिज की तरफ जाते हैं। बहुत खूबसूरत एरिया है ये सारा लाजवाब टूरिस्ट सेंटर। यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगी टिकट। आसिफ भाई इधर आना है, उधर नहीं, आप जिधर घूम रहे हैं उधर और चीज़ है। तो अभी भाई यहाँ अंदर जाते हैं और यहाँ टिकट देते हैं कि टिकट की क्या प्राइस है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं सारी। ऑफिस आई थिंक ये है, मेरे ख्याल से यही है। ये इधर से लोग जा नहीं रहे, इधर से हमने भी हाइक करके जाना होगा। ये टिकटिंग ऑफिस है, देख रहे हैं ये लोग। टूरिस्ट सर्विस सेंटर देना था पोसो का टिकटिंग। ये भाई टिकटिंग ऑफिस है, ओए 238 में सारी एक्टिविटीज है। 238 नहीं बेटा, आज की प्राइस 118 है देख। हाँ 118 गिनती है ना, 118 उगर अंदर यो ई बाय ई बाय ईश पा उगर है बा। हाँ उगर है,这个是有一期的吗？第一、第二、第三都有。啊，有这里吧？有，这个、这个、还有这个吊桥，还有这个瀑布。啊。然后这个手掌，就上面现场另外买票20块一个。好的，好的，我知道。这些都是上面另外买票。可以。好，可以。अच्छा सब कुछ है, सब कुछ include है, okay. 都是年轻的对吧？दुबई जूश। ये भाई टिकटें हमने ले ली हैं भाई, सबको एक एक टिकट मिल गई है और आज हमें बड़ी अच्छी ऑफर में मिली है टिकट, क्योंकि आज का रेट चल रहा था भाई 118 रुपये। वैसे नॉर्मल टिकट यहाँ पे चल रही है 218 रुपये, लेकिन हमें आज मिली है 118 में। आई डोंट नो वाई बट हम मे भी हो सकते हैं आज लकी हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा बाजार लगाया हुआ है भाई, यहाँ पे फ्रूट कपड़े सब कुछ अवेलेबल है, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। तो यहाँ से अब हम मेन एंट्रेंस पे जाएंगे वीआईपी सर्विस में, वहाँ से देखेंगे कि कहाँ हमने जाना है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने लोगों के लिए बनाई हुई हैं यार, और लड़के अभी से बड़े एक्टिव दिख रहे हैं मुझे, माहौल में जोश में आ गए। टिकट सस्ती मिलते ही जोश में आ गए लड़कों को, जैसे ही टिकट सस्ती मिली है ना फुल जोश में आ चुके हैं लड़के। और बहुत ही लाजवाब इन्होंने जगह सेट की हुई है, देख फायर है ये वाली ना, क्या करें तीर मारते हैं। नहीं वापसी में खेलेंगे, पहले ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं टाइम पे। ये देखें भाई बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ की सारी जगहें बनाई हुई हैं इन्होंने। सुअर को तो हम बहुत ज़्यादा मारेंगे ये देख तीर कमान ममान मिल रहे हैं सारे, काफ़ी ही आउटस्टैंडिंग एरिया बनाया हुआ इन्होंने। वो आसिफ भाई को मैंने दिया हुआ है। ये देखें मसाज की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, मसाज अगर किसी ने करानी हो भाई मसाज भी करा सकते हो, जो भी भाई आए यहाँ पे वी चैट से पे करो और मसाज ही कराओ। ओए पानी मानी किसी ने अगर लेना हो मे भी हो सकता है हाइक हमें करनी पड़े, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि हमें हाइक पे जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस आ चुका है भाई, यहाँ से मेन एंट्रेंस शुरू है और यहाँ से अब लड़के हाइक करके जाएंगे ऊपर। वाह यार क्या व्यू है खूबसूरत सामने पहाड़ों का। आसिफ भाई कैसा लग रहा है, डू यू फील समथिंग स्पेशल हेयर वीआईपी? बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है, हाइक करके हमने ऊपर जाना है भाई यहाँ से जितना भी एरिया। ये एक ड्रैगन सा बना हुआ है यहाँ पे सामने देखें। नहीं नहीं हमने पैसे भरे, हम पूरा करके जाएंगे चाहे रात भी हो जाए। यार आपको इस तरह धक्के मार के निकालेंगे भाई, चार बज गए निकलो, 4 बजे तक तो हम ऊपर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मैंने तुम लोगों को कहा हमें जल्दी आना था यार, मैं तो थक गया। यहाँ पे तस्वीरें तो बनाने का फायदा नहीं है, जल्दी फुर्ती दिखाओ ऊपर। हाँ वापसी पे ना फिर बना लेंगे, वापसी पे 4 बजे निकाल लेंगे ना वो।
क्योंकि टाइम कम है, 4 बजे ये क्लोज हो जाता है और 3 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। क्या बस में लेके जाएंगे आई थिंक। अब तो हाँ बोलने में डर लग रहा है। यहाँ से भाई, यहाँ से ये लोग हमें आई थिंक बसों में लेके जाएंगे। यहाँ से भाई हम लोग हाइक करके आए थोड़ा सा, यहाँ से हमने टिकटें देखनी है, फिर यहाँ से हमें आगे बस लेके जाएगी एक्टिविटीज कराने। हाँ शीशे हमने स्कैन करा लिए टिकटें भाई, यहाँ से आगे हमें बसें लेके जाएंगी एक्टिविटीज कराने, क्योंकि टाइम कम है तो कोशिश करेंगे ड्रोन तो मे भी हम ना उड़ा पाए आज। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और ड्रोन में भी आज हम नहीं उड़ा सकते, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ का सफर। ये देखें बसें हैं, चाइनीज़ फैमिलीज भी हैं और हम भी हैं, इकट्ठे सारे जाएंगे आज। आफाक ही नहीं है। मैं भाई विंडो साइड, विंडो साइड तूने पकड़ लिया, हम फिर इधर पीछे विंडो साइड पकड़ लेते हैं मैं और आफाक। टॉप पे हम जाएंगे भाई, वो हैंडमेड वाली सारी एक्टिविटीज हमें करनी है भाई, और ग्लास विंडो देखने हैं, सारी एक्टिविटीज ऊपर जाके करेंगे। बस के अंदर ले जा रहे हैं, हमने समझा कि हमें ऊपर जाना पड़ेगा हाइक करके, लेकिन ये लोग ले जा रहे हैं। क्या पहाड़ है भाई। ये रजा भाई लोगों का एक चाइनीज दोस्त बन चुका है। ये देखिए पहाड़ बहुत खूबसूरत यार। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नी हाओ सब चीन यी दिन शाय 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 शाय। बस यहां पे बस इनसे तो रख लिए, हमें दे दिए इनसे तो। सिंगल है हमारा, मल्टीपल है। एक चाइनीज हमें मिल गया था, वो हमें सलाम कर रहा था। बहुत ही केयरिंग लविंग लोग हैं चाइनीज, बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से। और अभी हाइक करके ऊपर जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्टिविटी करेंगे भाई। वो बिल्कुल जो है ना खेतों के बीच रोलर कोस्टर, तो इसमें बैठेंगे जाएंगे, ऐसे हो सकते कि ना ले जाए, इसी में तो नीचे ले जाया जाएगा हमें। दलदल लांदे नहीं गुरजे दले। शी इज टायर्ड। फिनिश। जापानीज होनी शिवा। ऊपर लिफ्टें चल रही हैं भाई। देयर वी हैव टू गो। ये देखे पीछे बड़े लोग आ रहे हैं भाई, पूरी फैमिली आ रही है। बहुत ही एडवेंचर हो रहा है भाई, हाइक करके जा रहे हैं, 4-5 किस्म की एक्टिविटीज़ करने। ये भाई देखें, ये आपने वायरल वीडियोस देखी होंगी, वो हैंड बना हुआ है उसके ऊपर लोग ठहरते हैं, ये इस पे हमने जाना है। ये देखें जो कुड़ियाँ हैं, कन्या कुंवारियाँ, वो इधर पिक्चरें बना रही हैं। तो उधर ही जा रहे हैं ना भाई, भाई 400 मीटर है तो उधर ही जा रहे हैं ना, लेट्स गो। रास्ता बड़ा खूबसूरत है। वाटरफॉल से नीचे होके जाना होगा। वहां से जा रहे हैं ना, वहाँ डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना। नीचे देखें वाटरफॉल शुरू है भाई। वाह I tried my best. खुली हुई है अभी भी, खुली हुई है। ये देखिए फिश मिश, जंगल सा माहौल बनाया हुआ है और इसके बीच में वाटरफॉल्स हैं भाई, और यहाँ से हम ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत, लाजवाब। Oh man. Cross.
वो यहाँ से भी जाना है, चलो आ जाओ। ओए एक ओए साथ जाना है, अच्छी एक्टिविटी है वो, ये बहुत एंटरटेनमेंट है भाई, टू मच स्कैरी। इधर जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, खपत तो नहीं है 118 रुपए पे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत एडवेंचर है, अभी यहाँ से एडवेंचर करके जाना है आगे, और ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, बहुत स्कैरी है ये फुल हिल रहा है भाई, फुल देखे सारा ऐसे हिल रहा है, रजा गया। ये देखे मजे ले रही है अपनी दोस्त की, मजे ले रही है, कहूँ कहीं माँ बाहर हम तुम्हें ने कड़े बदल तक ना लालटेन दे, लालटेन लगे दले दे सराटो पाई लालटेन भाई। हर किस्म की फैसिलिटीज इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है पहाड़ों के बीच, लोगों के लिए पैसा पैसा कमा रहे हैं लोग, इंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी सेफ्टी है, हर बंदे की काफ़ी सेफ्टी है यहाँ पे, सिक्योरिटी हर जगह पे है। पीने है पानी श्वे वहाँ। देखे हम मजीद ऊपर आ गए, ये नीचे से लोग आ रहे हैं एक्टिविटीज करते हुए, ये देखें भाई ये ऊपर से वाटरफॉल आ रहे हैं, वो ऊपर देखें ब्रिज है, ये ऊपर ब्रिज है ये ग्लास, ये वाटरफॉल आ रहा है भाई नीचे, और यहाँ से हमने ऊपर जाना है ब्रिज के ऊपर, ये जिप स्लाइडिंग एक्टिविटीज़ करनी है यहाँ पे, ये सारा हम आज इंजॉय करेंगे। चलते हैं भाई यहाँ से आगे अपनी मंजिल की तरफ, ये देखें ये पत्थर में से मौके इन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं, गैस निकल रही है वहाँ से, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि अनबिलीवेबल हैं भाई, लाजवाब। ये देखें फोग निकल रही है यहाँ से, हेलो, ये देखे ऊपर इन्होंने जगहें बनाई हुई हैं बहुत सारी भाई, ये पानी आ रहा है ऊपर, हमने जाना है वो ग्रास ब्रिज पे, वहाँ से भी हैं एक्टिविटीज, यहाँ से भी हैं, हम ये वाला रूट चुनते हैं क्योंकि यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से थोड़ा इंजॉय ज़्यादा होगा क्योंकि हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा हाइक करके। ये ऊपर ग्लास ब्रिज है वो देख रहे हैं ऊपर, वहाँ जाएंगे अभी, बहुत खूबसूरत जगह इन्होंने बनाई हुई है भाई, काफ़ी मेंटेनेंस है, लोग हैं, सिक्योरिटी है, काफ़ी सहूलियात हैं। ये व्यू देखें, करोड़ों रुपए का व्यू है। ये देखें भाई यहाँ पे एक्सेलेटर पे भी आप जा सकते हो, हाइकिंग करके भी जा सकते हो, और भाई मेरे वो भी है एलिवेटर भी है, हम एलिवेटर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे स्टोर भी बने हुए हैं खाने पीने के लिए, जो चीज़ चाहिए सब कुछ है अवेलेबल इन पहाड़ों के बीच। एक ये ग्लास ब्रिज है, एक वो है, ये दो ग्लास ब्रिज हैं, इन दोनों पर हमने जाना है, और अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ से हम एलिवेटर लेके जा रहे हैं क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश ने काम ख़राब कर दिया, नहीं तो हम हाइक करके जाने वाले थे। ये देखें बारिश शुरू हो चुकी है, ये मेरी जैकेट पे देखें बारिश, और ये एलिवेटर देखें पहाड़ों के अंदर चाइना में एलिवेटर बने हुए हैं। ओए आसिफ भाई ये देखें भाई कमाल की चीज़ आपको बताएं, चाइना में देखें पहाड़ों के अंदर भी एलिवेटर बने हुए हैं, और कितने बड़े एलिवेटर हैं ये देखें, कमाल की बात है। ये देखें हम पहाड़ों के बीच हैं और एलिवेटर बने हुए हैं चाइना में, तो वहाँ से ग्लास ब्रिज पे हम बहुत ईजिली पहुँच जाएंगे। पहली एक्टिविटी हमारी एक ग्लास ब्रिज है, फिर सेकेंड ग्लास ब्रिज है, तो ये सारी आज हमने करनी है। वो कार्ड तो इन्होंने हमसे ले लिए हैं,
ये कमाल है कि नहीं। देख चाइना में एलिवेटर है भाई, पहाड़ों में काट के एलिवेटर डाल दिया अंदर। आई लव इट। तो यहाँ से भाई हमारा पहला ग्लास ब्रिज शुरू होगा और उसके बाद भाई मेरे ये देखें, ये वो हैंड बना हुआ है जो आपने इंस्टाग्राम पे देखा था, वायरल हुआ था, ये वो हैंड है। और ये पहला ब्रिज यहाँ से जा रहा है, ग्लास ब्रिज, ये देख रहे हो। हाँ वो उसने कहा है कि इनके 18 10 18 इस तरह है, समझ आई। इधर हमें नहीं उड़ाने देंगे ये लोग ड्रोन। ये नहीं उड़ाने देंगे जितना मेरा अंदाज है, क्योंकि ये उड़ा रहे हैं ये पैसे लेंगे। इधर बना भी होगा देख, होगी 18-20 रुपए, 18 रुपए। पिक्चर कौन लेगा मेरी? अभी इस हैंड पे हम भी बारी बारी जाएंगे भाई। यार उसी हैंड पे जाने कि नहीं? नहीं चलो आ गया। नहीं जाना देख लो, और बंदे को इतना टाइम दे रहा है वो, जिसने जाना है वो तो जाए ना। चलना है ना, पिक्चर कौन लेगा सवाल ये है भाई। हम दोनों चलते हैं एक बार, मेरी पिक्चर यार जो पहले पहले जाओ ना, एक बंदा पिक्चर तस्वीरें बनाता रहेगा ना वीडियो। ये पता नहीं ये ड्रोन से क्या बना रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसका क्या सीन है? वापसी इधर से नहीं, वापसी ध्यान ये जिप करा के ले जाएंगे नीचे सीधा। नहीं जाओगे इसी में, जिप में लेके जाएंगे भाई, मुझे पता है ना। बस लो ना, टाइम वेस्ट मत करो ना, तो व्लॉग बनाएंगे ना। पहले तू जा रहे कि मैं? चल जा। हाँ वो ड्रोन की वीडियो ले रहे हैं आप, पता नहीं कि ड्रोन का क्या सीन है। यार इसको बोलो मैंने भी अपना ड्रोन नहीं यहाँ से सही है, नीचे से सही आती है, ऊपर से भी आएगी। ड्रोन वो उड़ा रहा है ना बे। हाँ भाई प्यार से बस जब हिम्मत टूट जाए तो बस फिर आगे ना जाए। लड़का ऊपर चढ़ गया है, बड़े पोज दे रहे हैं। ये आसिफ भाई जा रहे हैं भाई, आसिफ भाई हेल्प कर रहे हैं बच्चों की तस्वीरें लेने में। यहाँ से ये उनकी वालदा ठहरी हुई है फ्री फंड में, उसकी तस्वीरें दिलवा रहे हैं। टपा दिया बच्चे को वहाँ से बैरियर के ऊपर से। ये भाई ग्लास ब्रिज, ये फर्स्ट ग्लास ब्रिज है, ये हम फर्स्ट ग्लास ब्रिज पे मौजूद हैं। फिर हमने वो ऊपर जो सेकंड ग्लास ब्रिज पे जाना है यहाँ से, ये फिलहाल हम फर्स्ट ग्लास ब्रिज के ऊपर ठहरे हुए हैं। ये देखें लोग आ रहे हैं और इसके ये जो गाय वायर्स हैं ये हिल रही हैं भाई। ये देखें, नो प्रॉब्लम। ये देखें बहुत खूबसूरत व्यू है भाई यहाँ से। ये वो ग्लास ब्रिज था जो आपने फेसबुक यूट्यूब पे बहुत देखा है, एक और भी है, वहाँ भी जा रहे हैं हम। सीढ़ियों के ऊपर हम जा रहे हैं ग्लास के, और ये नीचे व्यू देखें, खूबसूरत माहौल है। ये सामने ग्लास ब्रिज है, इस पे हम जा रहे हैं। ये देखें, इस फकिंग स्केयरी। हमने खाने की चीज़ें यार ये बताएं, तस्वीरें बनवाई है हमारे उसमें वो। क्या है यार आओ, इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ेगा पास लेके। हमने भी इसी तरह वॉक करनी है, फिर वहाँ पे जाना है ग्लास ब्रिज के ऊपर, फिर वो जिप लाइनिंग हो रही है ऊपर। ये सारी एक्टिविटीज आज हमने पूरी करनी है हर हाल में।
तो मन्नत है नहीं बड़ा ये मन्नत मानी हुई है इसके अंदर आलम भी तो उठा ना ये टिकट के पैसे तो निकाल बड़ा क्या सोच रहा है टिकट के पैसे तो निकाले ये मन्नत से चलाओ चले आगे यार टिकटें किसके पास है टिकटें जिसके पास भी है छोड़ वहाँ से वहाँ सामने भाई ये देखिए इतने लोग आए हुए हैं भाई ग्लास ब्रिज पे अंदर जाओ गो इनसाइड ब्रो ठीक है हम सब नीचे हैं क्या हो गया दरवाजा खोल उगर अंदर लो पान सबर नहीं नहीं वो वेट में वो हमें वॉक नहीं करने दी गई क्योंकि वो 80 से ऊपर केजी वाले वजन वाले बंदे को छोड़ ही नहीं रहे थे मैं माशाल्लाह से 100 केजी था और हमारा जो रजा भाई है वो 90 केजी था तो हम दोनों को नहीं छोड़ा गया जिसकी वजह से अब हम फिर हाइक करके जा रहे हैं ब्रिज की तरफ ये भाई फाइनली हम वायरल ब्रिज पे पहुंच चुके हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल ब्रिज था उस पर हम फाइनली पहुंच चुके हैं ये देखें लोग झूले खा रहे हैं इंजॉय करके आसिफ भाई को देखें ये ठहरा हुआ है ग्लास ब्रिज के ऊपर भाई फाइनली जो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ज़िंदगी में हम यहाँ पे आ पाएंगे और अल्लाह पाक की शान है कि वो और आज हम यहाँ पे फाइनली पहुँच जाएँ हमने आज से 4-5 साल पहले बहुत इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखी थी लेकिन आज हम फाइनली रियल में पहुँच जाएँ और रियल में इस जगह की फीलिंग और भी इंटरेस्टिंग और एडवेंचर है ये देखें आउटस्टैंडिंग है नीचे देखें भाई ये नीचे अब शार चल रही हैं भाई ये देखें आउटस्टैंडिंग कमाल हो गया भाई मज़ा आया कि नहीं आया वो रजा मज़ा आ रहा है ना मैंने तुझे क्या कहा था ऐसी जगह है ना कि एक बार कहेगा वाह हो गया वाह ये देखें ये वीडियोस बन रही हैं सेल्फियां बन रही हैं लोगों की लोग इंजॉय कर रहे हैं आसे भाई देखें पलती मार के बैठा हुआ है पलती मार के भाई अब शार देखो नीचे यार कितनी क्लियर दिख रही है भाई अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जिपलाइन की तरफ वहाँ पे हमने करनी है जिपलाइन तो वहाँ हम जा रहे हैं अभी जिपलाइन की तरफ हमने करनी है जिपलाइन जिपलाइन देखते हैं कि कहाँ से जाती है और ये हमारे कुछ इंडिया से भी भाई आए हुए हैं घूम फिर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं ये देखें भाई इंडिया से आप कहाँ से इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर ओह जम्मू कश्मीर माशाल्लाह माशाल्लाह फिर तो गुड हो गया भाई नाइस डे ये बाकी भाई भी जम्मू कश्मीर से सारे जम्मू कश्मीर से ओए वो हमारा कश्मीरी लौंडा कहाँ है ये तो कश्मीर से है भाई सारे जम्मू कश्मीर से हैं अपने क्या बात है हाँ हाँ गुड हो गया यार ये भाई जम्मू कश्मीर से इंडिया से हमारे भाई और ये भाई भी इंडिया से आए हुए हैं और ये हमारी खुश नसीबी है कि हम मिल गए हैं कश्मीर तो हम नहीं देख पाए जम्मू लेकिन भाई हमें मिल गए कश्मीर यहाँ ला दिया कश्मीर यहाँ ला दिया लेकिन फिर भी भाई जितना भी खूबसूरत हो जाए चाइना कश्मीर को नहीं पहुँचता चाहे वो पाकिस्तान के चाहे इंडिया का ओके ब्रदर इंजॉय हैव अ नाइस डे ओए भाई जिप लाइन तार वाला खतरनाक है मैं भी हो सकते हैं हमारे वेट वाला बंदा उड़ जाए आना बहरहाल ये चाइना इधर सेफ्टी बहुत ज़्यादा है जिप लाइन पे भाई हमें नहीं छोड़ रहे क्योंकि मेरा ए 100 केजी है और इस भाई का 93 केजी है तो हमें नहीं छोड़ रहे 90 प्लस है इसलिए नहीं छोड़ रहे भाई तुझे क्लियर कर सही कर दोबारा सही नहीं करता छोड़ते नहीं वजन है बड़ी मुश्किल कम की है और रिजेक्ट जो हुआ है वो भाई वापसी हो रही है ये चेक करें यहाँ भी डस्टबिन इन्होंने लगाए हुए हैं साफ सुथरे डस्टबिन भाई डेली सफाई हो रही है और ये देखें कमाल की मैं कहता हूँ कि कोई पत्ता भी नहीं दिख रहा यहाँ पत्ता भी देखो नहीं पड़ा हुआ इवन सीढ़ियों के ऊपर इतनी केयर कर रहे हैं ये लोग लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जिप लाइन नहीं करने दी भाई अब तो हमें वेट 70 पे लाना पड़ेगा हर हाल में भाई
क्योंकि ये ज़िपलाइन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रीम था, लेकिन हमें पूरा नहीं करने दिया गया। और अब हम मुंह लटका के जा रहे हैं, ग्लास ब्रिज भी देख लिया, बहुत सारी एक्टिविटीज़, लेकिन हमें सिर्फ ज़िपलाइन नहीं करने दी। तो कहते हैं भाई आपका वेट ज़्यादा है और आप नीचे गिरोगे ज़मीन पे ठा और फिर आपका अता पता नहीं मिलेगा। देखिए तस्वीरें बना रहे हैं अफाक के साथ, चाइनीज़ हमारे साथ। ये ले मैं भी ये देखें भाई, ये लोग लगे हुए तस्वीरें बनाने। बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत माहौल बना हुआ है इश्क वाला भाई। मजो आ गए और डाढ़ो मजो आ गए। तो पै गई, मजा आया कि नहीं भाई? डाढ़ो मजो आया। मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? आज का दिन तो अभी तो खिला देंगे, टेंशन नहीं लेनी भाई। ये इधर ये जम्मू कश्मीर कुछ ले रहे हैं। बड़े अच्छे लड़के हैं, मेरा दिल खुश हो गया इनको मिल के ना। ये इंडियन को जो भी है, एक तो मुसलमान है, ऊपर से जम्मू कश्मीर से है, मुसलमान है। फाइनली हम नीचे आ चुके हैं, सारे एडवेंचर हमने पूरे कर लिए हैं भाई। और आसिफ भाई बहुत ज्यादा थका हुआ है कसम से, नहीं थके नहीं है, भूखे भूख के मारे और खत्म है। और अभी भूख हम मिटाने जा रहे हैं यहाँ से, अब बस में बैठेंगे और जाएंगे नीचे भाई, वहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे और थोड़ा फिर ड्रोन को झटका देंगे थोड़ा सा। ये एडवेंचर हमारा बहुत ही खूबसूरत एडवेंचर था, जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन एडवेंचर था। और ये दोस्त हमारे साथ ना आते तो हम कभी भी इसको इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना हमने एंजॉय किया है। और आसिफ भाई ने जो मज़े लिए ना, हो तो मैं कहता हूँ किसी ने इतने नहीं लिए भाई। वापसी की बस हम ले रहे हैं क्योंकि शाम होने वाली है भाई और रात हो रही है, और रात को इधर बर्फबारी होती है बड़ी ठंडी, तो इस वजह से हमें यहाँ से भेजा जा रहा है। ये देखो भाई, हम पाँच दोस्त, पाँच ग्रुप बैठा हुआ है तैयार यहाँ पे। ये आप जब भी आओ भाई मेरे, ये देखें यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। ये देखें एक ग्लास ब्रिज, दूसरा ग्लास ब्रिज, ये भाई मेरे देखें वाटर एक्टिविटीज़ सारी हैं। छोटी सी मार्केटें भी इन्होंने बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये भाई हम बाहर आ चुके हैं, थोड़ा सा बाहर का माहौल दिखाते हैं आप लोगों को कि बाहर यहाँ क्या क्या है। ये इतना खूबसूरत है यार, ये ऊपर देखें विले मिले हैं रहने के लिए, ये होटल है एक बड़ा। ये देखो भाई, ये हम आए हैं मुर्गी लेने, और क्योंकि भूख लगी हुई है तो हलाल कुछ मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से भाई हम लोग आ गए हैं इधर। आसिफ भाई मुर्गी ले रहे हैं उनसे, आसिफ भाई ने कहा मैं खुद ज़बह करूँगा और ख़ुद पकाऊँगा। ये देखें आसिफ भाई कह रहे हैं मैं इस पर कलमा पढ़ूँगा और ख़ुद यहाँ से भाई जबा कर रहा है भाई खुद, कहते हैं मैं। अब सफाई भी आसिफ भाई कहते हैं मैं खुद करूंगा और पकाऊंगा भी मैं खुद, कढ़ाई बनाऊंगा मज़ेदार। लेकिन मसाले पता नहीं वहाँ यहाँ देसी मिलेंगे कि नहीं, हम चाइनीज मसालों से देसी बना लेंगे। वही दे बहुत मोटी स्किन है। ओए 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 आई है वो दम आया, ये तो निकला रहा था से चिकनी बॉडी। ठीक हर किसी की गैदरिंग में एक आसिफ होना चाहिए, नहीं तो वो गैदरिंग किसी काम की नहीं है, ये याद रखो भाई। ये देखें भाई, ये आसिफ भाई खुद कढ़ाई बना रहे भाई, ये मसाले पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से,
ये चाइनीज़ भाई बैठा हुआ है, उसने हमें छोड़ दिया कि आप ख़ुद बनाओ अपने लिए। हमने कहा हम मुसलमान हैं भाई, हम अपने लिए ख़ुद बनाएंगे, और ये आसिफ भाई ख़ुद बना रहा है। वसल मसल थोम सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, ये कढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं आउटस्टैंडिंग, और हमें फुल इजाज़त है कि आप लोग ख़ुद बनाओ। चाइनीज़ भी देखे हेल्प कर रहे हैं आसिफ भाई की, आज हम एक अलग ही एडवेंचर कर रहे हैं भाई, और वो भाई हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ हमने उसको बोला कि हम पाकिस्तान से हैं, तो वो बड़ी मोहब्बत दे रहा है और वो कह रहा है आप ख़ुद बनाओ जैसे बनाते हो। भाई कढ़ाई बना रहा है चाइना में भाई, ये देखें, ये बंदा बेइंतहा इखलाकी बंदा है, बहुत हेल्प इसने हमारी की है, और बहुत ही नाइस इंसान है, बहुत स्वीट इंसान है, इसने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जो चीज़ें हमें चाहिए थी भाई। एक तरफ कढ़ाई हमारी बन रही है आसिफ भाई, और एक तरफ ये हम अभी चावल बना रहे हैं, चावल पुलाव बना रहे हैं एक तरफ भाई कढ़ाई बन रही है चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, हम खुद बना रहे हैं ये आसिफ भाई की कढ़ाई तैयार हो गई, ये चावल भाई बन गया है, मज़ा आ गया। और इस भाई ने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा, पूरे किचन के सारा सामान हमें दिया, हर एक चीज़ इस भाई ने हमें दी है भाई, दिल से शुक्रिया इसका। हाय 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 हाय, चावल बन गए भाई। अब बैक डोर है ये ऊपर अब जाएगा सीधा, ओए होए होए, यहाँ हमने रखा है भाई लिफ्ट में सामान, अब ये ऊपर हमें मिलेगा। अच्छा अब भाई हम ऊपर आ चुके हैं, और अभी ऊपर हमें खाना मिलेगा और बोतलें मिलेंगी, और ये देखिए यहाँ से निकल आया हमारा खाना, ये देखें भाई, ये कमाल कर दिया आसिफ भाई ने। ओ शीशे शीशे, ये भाई देखें तैयार हो चुके हैं, ये आखिरी हमारी मज़ा आ गया। आसिफ भाई को शुक्रिया, बहुत मज़ा आ गया, आपकी वजह से मैं हलाल खाना नसीब हो रहा है, हलाल खाना भी नसीब हो रहा है, और इतनी मेहनत की है भाई, हाँ भाई खाना माना खा लिया है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया है भाई। और यहाँ से अब हम जाएंगे, गाड़ी ढूंढते हैं और टाइम स्क्वायर की तरफ जाएंगे। तो आज की वीडियो में आई उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर एक चीज़ को कवर करें और आप लोगों को दिखाएँ, ताकि आप लोगों को ईजी हो इन फ्यूचर, अगर आप लोग आएँ तो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप लोगों के साथ भी आसिफ भाई जैसा कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए, जो जहाँ पे आपको हलाल फूड ना मिले तो वो ख़ुद मुर्गी ज़बह करके आप लोगों को खिला सके, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और इन होटल मैनेजमेंट वालों ने हमारी बड़ी हेल्प की है, आई ने इन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप यहाँ पे कुकिंग करो, तो दिल से इनका बहुत शुक्रिया, इन चाइनीज़ मोहतरमा का, इन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।